तो दोस्तों उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जितने वीडियो अब आएंगे वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि मैं ये शुरू करने वाला हूँ यूफाई बॉक्स सीरीज। फ्री में हम पूरा यूफाई बॉक्स, ईएमसी प्रोग्रामिंग, ईएमसी चेंजिंग और इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में सब कुछ आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर एडवांस सीखना चाहते हैं बिल्कुल, चाहे आप बिल्कुल जीरो हो या फिर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, आप काम कर रहे हैं किसी भी तरह से हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरह चाहे उस तरह से हमसे सीख सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्री में सीखने के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक यूफाई बॉक्स आपको मार्केट में मिल जाता है 20,000 रुपए के समथिंग, एक यूफाई बॉक्स मार्केट से खरीद लें। यूफाई बॉक्स आपके पास में आ गया, गूगल पे जाएं, कोई सा भी अपने पीसी में, लैपटॉप में कोई सा भी क्रोम ब्राउजर खोल के वहां पे यूफाई बॉक्स लेटेस्ट सेटअप सर्च कर ले। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आ रहा है क्योंकि हमने सर्च किया था। अब यहाँ पे देखो कई वेबसाइट्स खुल के आ जाएंगी, खुद यूफाई बॉक्स की भी वेबसाइट यहाँ खुल के आ रही है, तो आप कोई सी भी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। हम पहली वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये वेबसाइट लेटेस्ट वर्जन जो है इसका लेटेस्ट सेटअप वो हमारा क्या 1.7 वर्जन है, ये हमारा यूफाई बॉक्स। ठीक है, ये हमारे पास में है। अब देखो यहाँ पे डाउनलोड लिंक आ रहा है 1.7, ये ऊपर वाला आपको डाउनलोड करना है, इसके डाउनलोड पे क्लिक कर दें, ऐड आ रहा है इसको कट कर दें। ठीक है, और ये डाउनलोडिंग यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। देखो वी स्टार्ट 1, 2, 3 स्टार्ट हो गई। देखो ठीक है, ये हमारा सेटअप स्टार्ट होने लगा, लेकिन हम इसको डाउनलोड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोड हो रखा है। ठीक है, तो हमने इसको कट कर दिया है। अब हम चलते हैं अपना डाउनलोड, दिस पीसी में चलते हैं और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं और नीचे हम आएंगे तो यहाँ पे देखें आपके सामने यूफाई वर्जन आपका है 1.7, इसको राइट क्लिक करके और यहाँ से एग्जिट कर लें। ठीक है, तो एग्जिट करने के बाद में आपके सामने इस तरह से फोल्डर बन के आ जाएगा। ठीक है, इसको क्लिक करें और यहाँ पे आप क्या सेटअप पे क्लिक कर दें, सेटअप पे क्लिक कर दिया आपने। ठीक है, अभी कुछ समय लेगा और इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, सेटअप इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है नो यूफाई डिवाइस डिटेक्टेड, यानी आपका यूफाई बॉक्स डिटेक्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है अपनी पीसी या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं अपना यूफाई बॉक्स जो है वो कनेक्ट कर दें।